इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं ये भारत में मेरी जान, और आज हम मध्य प्रदेश के दुधनी विधानसभा में आए और ये नर्मदा तट के पास विराजमान शिव बाबा है। आप देख सकते हैं, हमारे सहयोगी से बोलेंगे कि थोड़ा जूम करके शिव बाबा की पूरी प्रतिमा को दिखाएं, जो इतने शानदार तरीके से इसको सजाया गया है। वाकई बहुत जबरदस्त दृश्य है। आप देखें, शिव बाबा के नज़दीक से ही नर्मदा नदी बह रही है, और यहाँ न जाने कहाँ कहाँ से तीर्थ यात्री आते हैं आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाने। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी में, उत्तर पक्ष का ये जो कार्यक्रम जो होता है, इसके बारे में हम यहाँ उपस्थित जनमानस हैं और पंडित जी भी हैं, उनसे पूछेंगे ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है और इस तट का नाम क्या है। पंडित जी थोड़ा सा बताइएगा, जो उत्तर तट बांद्रावान है, यहाँ हर दुखों को दर्शन करने के लिए आते हैं और इससे यहाँ पे और भी विराजमान जो लोग हैं वो तर्पण के लिए आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे इसके संबंध में। सर, आपका परिचय बताइएगा। मैं श्री राम साहू, मैं अपने पिताजी और माताजी का तर्पण करने के लिए बांद्रावान तट पर आया हूँ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सात पक्ष में पितृ तभी लोग पर आते हैं जो कुशाग्र मौकों पर विराजमान होते हैं, और उनके परिवार के द्वारा दिया गया अन्न जल वो ग्रहण करते हैं। ये अपने दिया द्वारा जल तिल कृष्ण तिल दिया जाता है, जो एक तिल उनको सवा सौ स्वर्ण मुद्रा के बराबर उनको प्राप्त होता है, जिससे हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ये किस समय किया जाता है? ये वैसे तो कुपत बेला में किया जाता है, 11:15 से लेकर 12:15 बजे तक, क्योंकि समय अभाव की वजह से हम लोग पूर्व में आ जाते हैं और नवरत्न तट पर जल अन्न और तिल से इनका पितरों का तर्पण किया जाता है। हमने सुना है ये संगम कहलाता है, ये क्या संगम के नाम से जाना जाता है? बांद्रावान पे संगम नर्मदा जी और नवरत्न तट है, जिससे संगम करने से पुण्य कई सुगुना प्राप्त होता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना था कि ये संगम तट कहलाता है, यहाँ पे तवा नदी और नर्मदा नदी का संगम हुआ है, मेल हुआ है। वाकई में ये शानदार दृश्य है, लेकिन हमने यहाँ पे पाया इस घाट में आजू बाजू काफी गंदगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, एक अभियान चला रहा है, लेकिन क्या वो जनप्रतिनिधि इस घाट में आके कभी श्रमदान करेंगे स्वच्छता के लिए? जो यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है उसके लिए काम होगा या फिर दिखावा होगा या फिर भाषणों में वह बात रह जाएगी। आप देखें, हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू धर्म में मानता का ये एक पितृ पक्ष जो कहलाता है, कैसे यहाँ पे नर्मदा तट में यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अभी इनकी पूजा होने के पश्चात हम इनसे इसके बारे में जानेंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।